आज यहाँ मरदह में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें बिजली का तार एक बस को स्पर्श करने की वजह से बस के यात्रियों को नुकसान हुआ, बस को नुकसान हुआ। मैं घटनास्थल पर भी जाके आया हूँ। बस बुरी तरह से जली हुई है और 5 लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ 5 लोग गाजीपुर में एडमिट हैं और 4 या 5 लोग मऊ में भी एडमिट हैं। बहुत ही दुखद घटना है, मुझे इस बात का बड़ा दुख है। बिजली विभाग के लोगों की सतर्कता इस दृष्टि से बढ़नी चाहिए, इसका मैं स्वयं मैं आभास कर रहा हूँ। और उन्होंने जो लापरवाही की है उसके मद्देनज़र कई लोगों पे कार्रवाई भी की गई है। 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है। एक CN, SDO और JE को हमने तुरंत निलंबित किया है। जो लाइन मैन थे उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसी घटनाएं फिर न हो इसके लिए हमने चेयरमैन को भी सूचना दिया है कि इससे क्या क्या लेसन ले सकते हैं। वो लेसन लेते हुए भविष्य में पूरे राज्य में ऐसी घटनाएं न हो इसका ध्यान रखा जाए। मैं स्थानीय प्रशासन की बहुत प्रशंसा करता हूं, DM, SP और अस्पताल के प्रशासन की, कि मैंने जैसे ही खबर मिली मैंने DM को फ़ोन किया, उनको सारी जानकारी थी, SP भी मौके पर मौजूद थे। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं उनके कार्यों की और आशा रखता हूं कि जो घायल हैं वो शीघ्र ईश्वर उनको ठीक करेंगे, जो दिवंगत हो गए हैं उनकी आत्मा को ईश्वर शांति देंगे और उनके परिजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति देंगे। मंत्री जी, कई जगह जो आज घटना हुई है, कई जगह तार जर्जर तमाम शिकायत, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं न हो। बहुत से तार खंभे बदले जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बात का गांव के लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि पिछले कुछ दिनों पहले भी एक घटना हुई थी, उसके बारे में भी यहाँ स्थानीय अधिकारियों को बताया गया था। बहुत ही गंभीर बात है, मैंने उसका संज्ञान लिया है और बहुत ही कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। और साथ ही इस प्रकार की घटनाएं कहीं न हो उसके लिए हम लोग सतर्कता बरतें, ऐसा हमने पूरे तंत्र को सूचना दिया है। क्या नाम है आपका? कंचन पासवान। कंचन, आज आप लोग अस्पताल में आए, क्या घटना हुआ है? लाइन की वजह से बस अटक गया था, इसलिए। कहाँ की रहने वाली है आप? भलैया का। कौन सा जिला है? मऊ जिला। कहाँ से आप लोग कहाँ जा रही थी? खिरिया से जा रहे थे महारे। अपने गांव खिरिया से महारे धाम जा रही थी? हाँ, शादी में। शादी था। क्या घटना हुई है और कैसे हुई है? लाइन से घटना हो गया है। क्या बस में लाइन लग गया था? अच्छा, तो क्या बस में पहले आग लगी या फिर कैसे हुआ? पहले करंट मारे थे। अच्छा, तो उसके बाद 5 मिनट बाद आग लगा। तो आप लोग कैसे अपना जान बचाएं? कूद कर। आप लोग कूद गए? हाँ। और उसमें जब आग लगी तो घटना स्थल पे आप लोगों ने और क्या देखा? हम लोग रोने लगे, हम अरे लेकर चले आए थे सर एम्बुलेंस से, हम नहीं कुछ देख पाए। अच्छा, बस में कितने लोग रहे होंगे? 35-40 लोग। 35-40 लोग, यानी कि एग्जिट पता नहीं है? नहीं, पता नहीं है। और आपके घर का कौन कौन घायल हुआ है, कितने लोग? हमारे दीदी के लड़के सर। दीदी के लड़के सर। अच्छा, आपकी बहन भी घायल है और दीदी के लड़के? लड़के भी घायल है। आपको भी चोट? आप भी जली हुई हैं? नहीं, चोटें आई हैं। चोटें। क्या नाम है आपका? संगीता। कहाँ की रहने वाली हैं? और नाइज। कहाँ पड़ता है ये? बगली तिजड़ा। जिला कौन सा है? मऊ है। बस में आप भी सवार थी? जी। कैसी घटना हुई? तार जाकर सट गए केबिल में। किसमें? केबिल में, जैसे तार नहीं बिछा था, बिजली के तार। बिजली के तार। तो पहली जब सटा तो क्या घटना हुई उस समय? पूरा फटा था, उसमें सबको करंट मारा था, सब कूद रहा है उसको से। हाँ, पूरा। तो आप लोग कितने लोग थी बस में? 50 लोग। आपके घर का कौन कौन था? मेरी सास, ननद, सब बहनों ने सब गए थे उसी में। बच्चे? बच्चे 2।
भाई। कितने बच्चे थे आपके? तीन। अच्छा, अभी क्या स्थिति है बच्चों की? इतना अभी ठीक नहीं, जल गया पूरा मुँह।